हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज के एपिसोड में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे डार्क सर्कल्स को, इनकी वजूहात क्या हैं, इनके लिए क्या होम रेमेडीज हम यूज़ कर सकते हैं, और वो होम रेमेडीज जो आप यूज़ कर रहे हैं वो वाकई में इफेक्टिव हैं भी या इज जस्ट अ स्कैम। इनका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम ना करें तो हमारे डार्क सर्कल्स फर्दर डिटरेशन से बच सकते हैं। ऑल अबाउट डार्क सर्कल्स टुडे इन दिस एपिसोड, कीप वॉचिंग। दिस इज डॉक्टर आमना उस्मान। इफ यू लविंग आवर कॉन्टेंट प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट, और अगर आप कुछ भी और जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन के अंदर मैसेज कर सकते हैं। वील बी रिकॉर्डिंग द नेक्स्ट वीडियो ऑन योर रिक्वेस्ट। आज की जो वीडियो है उसके लिए हमें रिक्वेस्ट भेजी थी किसने? सो अमारा वहीद, आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, सो प्लीज वॉच इट। सो वट इज डार्क सर्कल? डार्क सर्कल्स जो हमारी नॉलेज में है, दैट्स अ डिसकलरेशन अराउंड द आईज। लेकिन जो आप सब जानते हैं हॉलोनेस, इवन हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो पफिनेस को भी डार्क सर्कल्स कह रहे होते हैं। टायर्ड आईज या हॉलोनेस आपकी कंट्रीब्यूट कर सकता है डिस्कलरेशन अराउंड द आईज को, डार्क सर्कल्स को। ठीक है, डार्क सर्कल्स की क्या क्या वजूहत हैं? डार्क सर्कल्स की वजूहत है फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेटिक्स। अगर आप फैमिली के अंदर, आपका फैमिली ट्रेट है संकन आईज का विद डिस्कलरेशन अराउंड आईज, तो हो सकता है। नंबर टू इज सन डैमेज। जैसे आपकी सारी स्किन के ऊपर डलनेस आती है सन डैमेज के साथ, टैनिंग आती है, इसी तरह डार्क सर्कल्स के ऊपर भी आती है। और इस तरह जब हमने एक प्रायर एपिसोड के अंदर टैनिंग को डिस्कस किया था तो हमने मेंशन किया था कि जब आपकी स्किन के किसी पार्ट के ऊपर डिस्कलरेशन आ जाए तो धूप लगने से वो और ज़्यादा मल्टी फोल्ड हो जाती है। यानी अगर आपका कुछ पार्ट फेयरर है उसके ऊपर वो धूप कम इफेक्ट करेगी उसको डिस्कलर करने के लिए, एज कम्पेयर टू द पार्ट दैट इज इवन डार्कर विद रेस्ट ऑफ द स्किन। तो इफ़ यू हैव डार्क सर्कल्स ऑलरेडी तो वो आपके सन डैमेज के साथ इवन डार्कर हो जाएंगे बड़े क्विकली। सो सन डैमेज इज अनदर कॉज। देन लैक ऑफ स्लीप, सोते नहीं है, रात को 3-3 बजे तक जाग रहे हैं, 4 बजे जाग रहे हैं, सुबह 8 बजे काम पे जाना है। सो स्ट्रेस अलहदा, टायर्डनेस अलहदा, और लैक ऑफ स्लीप इटसेल्फ। उसके अलावा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब ये है कि आप इनफ पानी नहीं पी रहे, या आपकी स्किन किसी आपके होम रेमेडी की वजह से डिहाइड्रेटेड है, या आप कोई प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं जिससे आपका डिहाइड्रेट हो रहा है स्किन, वो आपके डार्क सर्कल्स को बढ़ा सकता है डिहाइड्रेशन की वजह से। देन सर्टन स्किन कंडीशंस कैन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ डार्क सर्कल्स, जैसे कि कोई भी डर्माटाइटिस हो, यानी एक्जिमाज हो आपके आईज के अराउंड। बहुत सारे लोगों को एलर्जिक डर्माटाइटिस हो जाता है या कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस हो जाता है अराउंड द आईज। तो एक्जिमा इटसेल्फ एंड देन कॉन्स्टेंट रबिंग, जब आप इच कर रहे हैं उसको रब कर रहे हैं, दैट कैन लीड टू पिगमेंट फॉर्मेशन योर स्किन अराउंड द आईज। एजिंग इज अनदर कॉज ऑफ पेरीऑर्बिटल डिस्कलरेशन, पेरीऑर्बिटल हॉलोनेस, पफिनेस, रिंकलिंग। देन सम सॉर्ट ऑफ आई ड्रॉप्स जो आपके स्किन की वैस्कुलैरिटी को कम करते हैं तो वो भी कॉज कर सकते हैं। और इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजम्पशन। कंजम्पशन ऑफ स्मोकिंग एंड अल्कोहल लीड टू अ लॉट ऑफ डिस्कलरेशन अराउंड द आईज एंड सनकन आईज एंड हॉलोनेस। सो केमिकल या फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या हैं जिनकी वजह से डिस्कलरेशन आ रही होती है? बेसिकली आपके स्किन अराउंड द आईज बहुत थिन होती है, और उसके ऊपर अगर कोई भी फैक्टर हो, जैसे सन डैमेज है, या आप रब कर रहे हैं, या कोई केमिकल इरिटेंट रिएक्शन हो रहा है, तो उसके ऊपर डिस्कलरेशन जल्दी आ जाती है बिकॉज वेरी सेंसिटिव स्किन। ठीक है, उसके अलावा पुअर सर्कुलेशन होती है अराउंड द आईज। ये जो स्किन होती है इसके अंदर पुअर सर्कुलेशन होती है, इसकी वजह से इसके अंदर डिस्कलरेशन आती है। और फिर ऑब्वियसली क्योंकि ये डार्कर होती है तो किसी भी फिनोमेना के साथ जिसमें इन्फ्लेमेशन आए या सन डैमेज है तो पिगमेंट ऑब्वियसली जैसे हमने डिस्कस किया नेचुरली बढ़ जाता है, तो इसलिए डिस्कलरेशन आ जाती है और पिगमेंट डिपॉजिट हो जाता है और उसको डील करना पड़ता है। ठीक है, होम रेमेडीज, दो बड़ी मशहूर होम रेमेडीज हैं जिसके अंदर एक कुकम्बर यूज करते हैं और एक टी बैग यूज करते हैं। वेल आई एम नॉट इन अ फेवर ऑफ मच ऑफ होम रेमेडीज, बट यस, कुकम्बर डेफिनेटली हैज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट टू हील योर डार्क सर्कल्स बिकॉज कुकम्बर इज रिच इन वाटर। इट्स वेरी वेल हाइड्रेटेड सब्जी है जिसके अंदर काफी सारा वाटर कॉन्टेंट होता है। तो जब आप आंखों के ऊपर लगते हैं तो जो आपका डिहाइड्रेशन वाला एलिमेंट है उसके ऊपर वो काम करती है और स्किन को एकदम प्लंप करती है, और फॉर एन इमीडिएट रिजल्ट्स आपके डार्क सर्कल स्टार्ट लुकिंग बेटर इफ द अंडरलाइंग कॉज इज डिहाइड्रेशन। नंबर टू, इट इज रिच इन विटामिन सी। तो जब आप आंखों के ऊपर क्यूकम्बर रखते हैं, ऑब्वियसली इट डजंट हार्म यू, कोई इरिटेंट इसके अंदर नहीं है, तो जब आप क्यूकम्बर रखते हैं तो विटामिन सी भी आपकी पेरीऑर्बिटल स्किन को अच्छा मिल जाता है। तो एक क्विक स्विफ्ट किस्म का रिजल्ट आपको मिल जाता है जिसके अंदर हल्की सी प्लंप हो जाती है आपकी पेरीऑर्बिटल स्किन, और डिहाइड्रेशन खत्म, हाइड्रेट हो जाती है, और विटामिन सी की वजह से वो जो एक शाइन और लेसर ऑफ अ पिगमेंटेशन, ऑब्वियसली नॉट कंटिन्यूटी में वो कोई ट्रीट नहीं कर रहा होता, लेकिन जब आप रोजाना रखते हैं तो आपको कंटिन्यूसली एक हाइड्रेशन और विटामिन सी का कंटेंट मिल रहा होता है। देन व्हेन यू टॉक अबाउट टी बैग्स के लिए इट्स काइंड ऑफ नॉट रियली साइंटिफिक कि मैं आपसे ये बात कहूँ, लेकिन अगर आप साइंटिफिक इसके अंदर सारी डिटेल में जाएं तो टी बैग हैज कैफीन। जितने भी हम पेरीऑर्बिटल प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं सबके अंदर कैफीन होता है, ठीक है, और वो हेल्प कर रहा होता है आपकी वैस्कुलैरिटी को इम्प्रूव करने पे। तो इसलिए यू नो अगर ये हैक आप कर रहे हैं, DIY हैक,
तो ये इफेक्टिव होता है। और अगर आप उसको यू नो टी बैग का वो आप टी बैग को थोड़ा वेट करके और उसके बाद स्टेन करके आप कोल्ड कर लें उसको, यानी आप फ्रीजर में उसको रख लें और थोड़ी देर ठंडा करके आंखों गेट लगाएं, तो वो वैस्कुलरिटी इंप्रूव करेगा। लेकिन दैट टू फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज आप लगा रहे हैं और वो कोई कॉन्स्टेंट एप्लीकेशन नहीं होती। DIY तो इतना ही होता है कि आपने दो तीन दफ़ा लगाया एंड यू फील वाओ एंड दैट्स ऑल अबाउट इट। बिकॉज जनरली जो हैक्स होते हैं या जो होम रेमेडीज होती हैं उनको लोग बड़ी कंटिन्यूटी पे नहीं यूज़ करते, बिकॉज ऑफ देयर यू नो डिसबिलीफ और बिलीफ। सम टाइम दे फील के ये काम करो, सम टाइम यू नो देयर इज अ डिस्ट्रस्ट के दे माइट नॉट बी वर्किंग एज एफिशिएंटली एज द पैरेलल मेडिकेशंस कैन बी। बिफोर आई कम टू द मेडिकल यू नो द टॉपिकल क्रीम सॉल्यूशंस, आई मस्ट टॉक अबाउट द लाइफस्टाइल चेंजेस दैट कैन हेल्प ब्रिंग यू अ बेटर लुकिंग पेरीऑर्बिटल स्किन। ठीक है, उसके अंदर क्विट स्मोकिंग एंड अल्कोहल, और अगर आप इमीडिएटली इसको बिल्कुल नहीं कर सकते तो स्टार्ट टेपरिंग डाउन टू लेट यू रीच अ पॉइंट वेयर यू स्टार्ट डिसलाइकिंग देम एंड यू कैन क्विट इट। नंबर टू, हाइड्रेट योरसेल्फ प्रॉपरली, और हाइड्रेशन के अंदर जो आप एंटीऑक्सीडेंट वाटर वगैरह इनटेक करते हैं, देयर इज नो हार्म गेटिंग, तो आपको एक एक्स्ट्रा एक इंग्रेडिएंट यानी people make antioxidant water by putting a lot of fruits in the bottle or you know the cucumbers or jo bhi antioxidant water aap log banate hain, there is no harm. Agar uska कोई फायदा हो रहा है मिनिमलिस्टिक 1% 2% तो यस व्हाई नॉट। और फिर वो आपके एक वाटर को भी फ्लेवर कर देता है, वो आपको कंफर्टेबल भी होता है दो तीन जग पीना, तो यू नो एटलीस्ट 2 to 3 liters ऑफ वाटर आप लें। और कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स चेहरे पे ना लगाएं जो आपकी स्किन को रिप ऑफ कर रहे हो, लाइक एक्सटेंसिव आप कोई AHA BHA प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, सैलिसिलिक एसिड है, अल्फा हाइड्रोक्सिक एसिड कोई भी यूज कर रहे हैं, ग्लाइकोलिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यूज कर रहे हैं, या फिर आप स्किन थिकनेस का अनवेरिएबल पार्ट ऑफ योर फेस ख्याल नहीं रख रहे हैं और आप इक्वल रबिंग कर रहे हैं, और यू नो ये हमने एपिसोड रिकॉर्ड भी की थी, उसका लिंक हम इसमें शेयर कर देंगे कि जिसके अंदर यू डोंट टेक केयर ऑफ यू नो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फेस, जिसके अंदर डिफरेंट थिकनेस और थिननेस होती है, पेरीऑर्बिटल स्किन चूंकि थिन है तो इट गेट्स इरिटेटेड वेरी सून। तो आई रेकमेंड कि अगर कोई भी हार्श प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हैं, अगर आपके फेस को वो सूट कर रहे हैं गो अहेड, और अगर आपको स्किन के ऊपर भी इरिटेट कर रहे हैं तो उसको भी कम करें। और पेरीऑर्बिटल अगर आप एप्लीकेशन करें, जैसे आप कोई एक्सफोलिएंट यूज कर रहे हैं, तो अगर आप बाकी फेस के ऊपर थोड़ा ज्यादा टाइम एक्सफोलिएट कर रहे हैं तो उससे 90% रिड्यूस टाइम पेरीऑर्बिटल करें, बिकॉज इसको उस तरह एक्सफोलिएशन की जरूरत नहीं है जिस तरह बाकी है, बिकॉज इट हैज लेसर ऑफ अ ग्लैंड्स दैट द रेस्ट ऑफ योर फेस हैज, और बहुत सारे ग्लैंड्स तो पेरीऑर्बिटल स्किन के अंदर नहीं होते, तो यू नो दो सिबोरिया प्रोडक्शन और ये वो आपको बाकी फेस के लिए बहुत जरूरी है कि एक्सफोलिएट करें, बट यू नो यू कैन जस्ट एक्सफोलिएट योर स्किन वेरी लेस एंड वेरी माइल्डर सॉर्ट ऑफ केमिकल्स, ताकि हमें एक्सफोलिएशन की सिर्फ इतनी जरूरत है ना कि ऊपर से आपकी स्किन डेड स्किन को हम एक्सफोलिएट कर लें, बाकी जो सीबम रेगुलेशन है वो कंट्रोल करना है वो तो आपके फेस का, चीक्स का या ये सारा और फोरहेड का पार्ट होता है। सो इफ यू यूजिंग एनी सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आर नॉट यूजफुल फॉर योर स्किन और दे आर प्रीटी हार्श फॉर योर स्किन, एक तो ये कि उसको फौरन एलिमिनेट कर लें अपनी रूटीन से, और अगर आपको वो सूट भी कर रहे हैं तो आंखों गेट बहुत कम यूज करें, क्वांटिटी भी रबिंग भी, और अगर आप लीव ऑन प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो कुछ ही टाइम के बाद आंखों के पेरीऑर्बिटल एरिया से वो उतार लें, बिकॉज एनी प्रोडक्ट दैट इज कॉजिंग यू इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन इवेंचुअली इट्स गोना ऐड टू योर एनी एग्जिस्टिंग पिगमेंटेशन ऑन योर फेस और पेरीऑर्बिटल एरियाज। सो उसके बाद हम बहुत इंसिस्ट करते हैं सन प्रोटेक्शन के ऊपर, सन प्रोटेक्शन, वो आपको अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना है। अगर आप हॉलीडेज पे जा रहे हैं या आप जनरली वर्किंग है, रोजाना आपकी ट्रैवलिंग है एक शहर से दूसरे शहर में, इवन इफ यू आर सिटिंग इन द कार, आपका AC लगाओ, फिर भी आपने सनब्लॉक लगाना है, क्योंकि नाइदर योर कार नॉर योर एयर कंडीशनर नॉर योर विंडोज कैन ब्लॉक UVABC, सो आपको सनब्लॉक लगाना ही है और पेरीऑर्बिटल भी लगाना है। और अगर आपको डिस्कलरेशन एग्जिस्टिंग है तो अप्लाई अ गुड क्वांटिटी ऑफ सनब्लॉक, और क्वांटिटी के ऊपर भी हम सनब्लॉक के ऊपर भी एक एपिसोड रिकॉर्ड कर चुके हैं, यू कैन फाइंड द लिंक इन हियर। सन प्रोटेक्शन विल स्टे एज अ की ट्रीटमेंट वाइल ट्रीटिंग डार्क सर्कल्स, अपना सनग्लासेस पहना करें, सनब्लॉक भी लगाया करें, देन स्लीप वेल, बिकॉज टायर्ड आईज विल ऑलवेज हैव हेल्प बिल्ड द हॉलोनेस अराउंड योर पेरीऑर्बिटल एरिया। सो अगर आप सो नहीं रहे हैं, टायर्ड आईज हैं, डिहाइड्रेटेड हैं, लिथार्जिक हैं, तो ये सब चीज़ें कॉन्ट्रीब्यूट करेंगी आपके पेरीऑर्बिटल डिस्कलरेशन को, हॉलोनेस को और टायर्ड लुकिंग आईज को। तो स्लीप वेल एटलीस्ट 8 to 10 hours और स्लीप एट द राइट टाइम। वो बच्चे जो नाइट जॉब्स कर रहे होते हैं और यू नो दे हैव टू stay awake for you know longer periods of time at night, तो एक तो स्क्रीन्स कॉन्ट्रीब्यूट कर रही हैं आपके UV radiations के साथ आपके पेरीऑर्बिटल डिस्कलरेशन को एनहांस करेंगे, और दूसरा आप चूंकि रात को सो नहीं रहे हैं वो भी एक फैक्टर है, तो अगर आप रात को काम कर रहे हैं तो एटलीस्ट मेक श्योर करें कि ट्रबल फ्री आपको स्लीप आवर्स मिले 8 to 10 hours, और अगर आप लॉन्ग आवर्स के लिए रात को काम कर रहे हैं स्क्रीन्स के आगे तो वेयर सन ब्लॉक्स या अपनी स्क्रीन्स के ऊपर UV protectors लगाएं। ठीक है, सो दीज मेनी पॉइंट्स कैन हेल्प यू फिक्स योर डार्क सर्कल्स सूनर
than any other remedy. Then the medical choices of treatments to fix dark circles, we have certain topical creams applications, or फिर उसके साथ हम कुछ modalities हैं, laser based treatments हैं, injectables हैं जो help किया जा सकता है dark circles को diminish करने के लिए. ठीक है, आप पहले इसको discuss करना जरूरी है कि आप सिर्फ dark circles को treat कर रहे हैं इस episode के अंदर, because there are other periorbital indications like periorbital wrinkling, puffiness या hollowness. तो ये सारी चीज़ें इनको help नहीं करती. Periorbital discoloration को ठीक करने के लिए कुछ ingredients है जो कि मैं सिर्फ नाम लूँगी, आई वोंट नेम द ब्रांड्स, आई वोंट नेम द कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज अदरवाइज आप ओवर द काउंटर परचेज करेंगे वो आपको हार्म कर सकते हैं. ठीक है, देर आर इंग्रीडियंट्स जो भी हम लाइटनिंग इंग्रीडियंट्स यूज करते हैं, एज इन एजिलिक एसिड, एज इन वाइटामिन सी, एज इन फोजिक एसिड, एज इन सेपिवाइट, ये जो सारे इंग्रीडियंट्स हैं ये आपके डिस्कलरेशन को कम करने में हेल्प कर देते हैं. फोजिक एसिड हो गया, अल्फा आर्बिटिन हो गया, ये सब हेल्प कर सकते हैं आपके पेरीऑर्बिटल डिस्कलरेशन को लाइटन करने के लिए. देन व्हेन यू टॉक अबाउट डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन के लिए हाइड्रेट properly. So the wonderful ingredient will be hyaluronic acid, because hyaluronic acid आपकी आंखों के अंदर skin के अंदर absorb होकर fluid को retain करता है and gives you plumpness. So hyaluronic acid आपके hydration को भी ठीक करेगा और आपके discoloration को भी बेहतर दिखाएगा. So अगर आपको fine lines हैं around the eyes तो hyaluronic acid वहाँ help करेगा. Hyaluronic acid के साथ कोई भी any topical emollient, और अगर आप उसके साथ ceramides use करना चाहते हैं best, बिकॉज कॉम्बिनेशन में हाइलुरोनिक एसिड सिरामाइड जो आपकी खासतौर पे वो लोग जिनको कोई एक्जिमाज हैं अराउंड द आईज या कोई एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं फ्रीक्वेंटली उनको रब करना पड़ता है. सो कॉम्बिनेशन ऑफ सम टॉपिकल नाइस एमोलियंस अलॉन्ग विद सम एंटी हिस्टामिन्स एंड अलॉन्ग विद सम यू नो माइल्ड स्टेरॉइड्स इन केस अगर आपको एक्जिमाज हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये चीज़ें आप विदाउट प्रायर मेडिकल कंसल्टेशन ना यूज़ करें, ओनली विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर व्हाट दे प्रिस्क्राइब. एंड देन ऑब्वियसली केफिन एप्लीकेशन, सो आपके जो टॉपिकल पेरीऑर्बिटल क्रीम्स हों उसके अंदर केफिन हाइलुरोनिक एसिड के कॉम्बिनेशन अलॉन्ग विद फोजिक एसिड, वाइटामिन सी, अल्फा आर्बिटिन, दीज ऑल कैन हेल्प फिक्स योर, यू नो व्हेन टुगेदर दे कैन हेल्प फिक्स योर पेरीऑर्बिटल डिस्कलरेशन एंड फिक्स योर पेरीऑर्बिटल लाइंस एंड पेरीऑर्बिटल हॉलोनेस. देन व्हेन यू टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइसेस, क्लिनिकल चॉइसेस अवेलेबल, सो वी हैव चॉइसेस लाइक पीआरपी, लाइक मेसोथेरेपीज एंड सम लेजर्स लाइक क्यूस्विच टू हेल्प विद पिगमेंटेशन. इनको करने के मुख्तलिफ तरीकेकार हैं. अगर आपके डिस्कलरेशन एजिंग की वजह से आ रहा है तो फिर माइक्रोनीडलिंग के अंदर हम जा सकते हैं. डोंट गो फॉर दोज डिवाइसेज दैट रब योर स्किन लाइक डर्मा पेन और लाइक डर्मा रोलर. आई डोंट रिकमेंड माई पेशेंट्स टू गो फॉर डर्मा रोलर ट्रीटमेंट या डर्मा पेन ट्रीटमेंट पेरीऑर्बिटल बिकॉज ऑफ इट्स पोटेंशियल abrasive effect and eventually leading to inflammation and eventually leading to more of a pigmentation over our already pigmented skin. So if you want to go for a microneedling treatment, always go for the microneedling with RF. When you talk about stamping treatment, that can help you deliver the medicine at the desired destination of the skin, but not more than that, because jab aap RF ke sath use karte hain to uske andar ek collagen induction aur ek aapka jo simple skin ka degenerative changes se jo regenerative changes tak ka safar hai wo bhi aapko help kar leta hai. agar if your eyes ke around wrinkles bhi hain, puffiness bhi hai, discoloration bhi, hollowness bhi hai, to microneedling RF can be really effective. so jo clinical basis ke andar hamare paas PRPs hain, mesotherapies hain, laser based devices hain jaise Q-switch, help fix pigmentation and then microneedling with RF. so microneedling with derma pen and derma rollers is not a recommended treatment of choice for periorbital you know aging or periorbital discoloration or hollowness or stuff like that. prior closing this episode, I will always recommend periorbital area is a very sensitive area. Don't just go with DIY hacks, don't just go with you know buying some over the counter treatments and devices and all that. Always visit your consultant for a proper protocol that will help you. so when collectively jab aapne periorbital treatments ko plan karna hai, starting from your lifestyle changes to your topical applications to the treatment of choice we are going to recommend will be dependent on what are the underlying causes, what are the current scenarios, like agar aap din mein kaam karte hain, raat mein kaam karte hain, and what treatment of choice we can get if there is wrinkle, there hollowness, there just discoloration, or there are other aging signs too. so always get a prior consultation before the treatment done. if you have any further queries, feel free to write under our episode. we really enjoy your feedback. jo bhi aap feedback dete hain, jo bhi aap sawal poochte hain, it's very encouraging. we really appreciate that. if you want to know anything else, just text in the message section. thank you again, Amara, for sending this recommendation. I hope you really like it. thank you.